हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देव एक्टिव माइंड 24/7। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग की क्लासेस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं जूनियर प्रोग्रामिंग टेस्ट के बारे में। जूनियर प्रोग्रामिंग टेस्ट जो कि हार्ट्रोन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जेपी भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, जूनियर प्रोग्रामर। तो इस टेस्ट के अंदर अगर आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करना है तो आपको दो सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। मैं जूनियर प्रोग्रामर के अभी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी। अब ये इसका सेकंड लेवल है, सेकंड पेपर, जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है जूनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें PHP, .NET, जावा, इन सभी लैंग्वेज के अंदर क्या है ये सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको .NET के अंदर ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना बताऊंगी और एक हार्ट्रोन का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, जैसे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हार्ट्रोन की जूनियर प्रोग्रामर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत है। विजुअल स्टूडियो आपके पास कोई भी हो, 2010, 20, 12, 15 या 19, तो आप कोई भी विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर सकते हो। और जो डाटाबेस होगा आपका स्टोर करने के लिए, वो हम SQL सर्वर मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक जूनियर प्रोग्रामर का एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इस एग्जांपल को पहले स्टडी करते हैं। तो क्रिएट एन एप्लीकेशन टू सेव द डेटा ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड कस्टमर ऑफ ABC कंपनी। कोई भी एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, जिसके अंदर हमें कस्टमर का डेटा स्टोर करना है। हमारे पास दो टेबल दी हुई है। टेबल ए के अंदर हमें एजेंट की डिटेल लिखनी है, जिसमें हम एजेंट नंबर लिखेंगे, एजेंट नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप दिया हुआ है, हूबहू पेपर में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे इंटीजर के अंदर हम एजेंट का नंबर लिखेंगे और एजेंट का नेम वेयर केयर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड टेबल के अंदर हमें क्या बनाना है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉलिसी नंबर। ये फील्ड, ये हेडिंग है कि यहाँ पे हमारे पास फील्ड कौन कौन से रहेंगे, डेटा टाइप और रिमार्क इनके, ठीक है। तो फील्ड के अंदर हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे पहला है पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर हम किस में रखेंगे? इंटीजर में रखेंगे, और ये प्राइमरी की भी होना चाहिए और ऑटो जनरेट होना चाहिए पॉलिसी नंबर। उसके बाद एजेंट नंबर, जो एजेंट नंबर हमने टेबल ए के अंदर दिया होगा वही एजेंट नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए, टेबल बी के अंदर आना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये फॉरेन की बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये फॉरेन की बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी डेट, किस डेट को पॉलिसी हुई है, कस्टमर का नेम क्या है और पॉलिसी अमाउंट कितनी है और उसका सबका कमीशन कितना बनेगा। जो जो पॉलिसी एजेंट पॉलिसी करता है तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होना चाहिए इस एग्जांपल में। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रखा है, मेक एटलीस्ट 5 मैनुअल एंट्रीज इन दी मास्टर एजेंट टेबल। इस टेबल का नाम है मास्टर एजेंट टेबल और ये हमारे पास पॉलिसी टेबल है। इन दोनों का हम नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम पॉलिसी टेबल, ये हमारे पास मास्टर एजेंट टेबल है। उसके बाद हम एक GUI क्रिएट करेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें हम क्या करेंगे, एक पिक्चर जिसमें यूज़र क्या करेगा, अपना डेटा फिल करेगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें यूज़र अपना डेटा एंटर करेगा और वो डेटा ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर जाके स्टोर होगा। तो इसमें भी हमें कंडीशन दी हुई है कि डेटा जो आपका एजेंट है उसे किस टाइप से कमीशन मिलेगा, कमीशन ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए। तो कमीशन में अगर हमारे पास क्या है, पॉलिसी, अगर वो 10,000 से कम की पॉलिसी करता है, लेस देन 10,000, तो उसे 2% कमीशन मिलना चाहिए। और अगर पॉलिसी की अमाउंट क्या है, ग्रेटर देन है 10,000 से, तो 2.5% का हमें क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए एजेंट को। उसके बाद जो हमारे पास है एजेंट जो कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, उनके जो नेम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आने चाहिए, ये भी कंडीशन दे रखी है। तो ये क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट जनरेट करनी है, इसमें हमें यहाँ पे एजेंट का नेम या नंबर आप शो कर सकते हो, क्या क्योंकि इसमें एजेंट का नंबर भी दिया होगा, तो एजेंट का नंबर आना चाहिए, पॉलिसी डेट आनी चाहिए, किस एजेंट ने कौन सी डेट को कितने अमाउंट की पॉलिसी की और उसका कितना कमीशन बना है। यहाँ पे आप एजेंट का नेम भी शो करवा सकते हो, नंबर भी शो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि हम डेटाबेस सेव करने के लिए हम ये 2 टेबल्स हैं ये क्रिएट करेंगे SQL के अंदर। तो हम SQL स्टूडियो को ओपन करेंगे।
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट ओपन हुआ है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है डेटाबेस का, सिक्योरिटी सर्वर ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो आप राइट क्लिक करके, यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे जाओगे, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप डेटाबेस ओपन कर सकते हो। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने उस डेटाबेस का नेम एंटर करना है यहाँ पे, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है जस्ट, ठीक है। तो एक सेकंड वे क्या है हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने का, क्वेरी के थ्रू। तो कंट्रोल अभी हम नई क्वेरी स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्वेरी लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नेम, जैसे मैंने डेटाबेस का नेम देना है एजेंट से रिलेटेड ही देना है, तो एजेंट डेटाबेस, ठीक है, एजेंट डेटाबेस। उसके बाद आपने सेमी कॉलम लगाना है और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो सिलेक्ट करोगे इस क्वेरी को और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दोगे। तो एग्जीक्यूट करते ही आपको यहाँ पे क्या है, मैसेज दिखाई देगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अभी आप इस डेटाबेस को रिफ्रेश करोगे यहाँ से, और उसके बाद आप अपने डेटाबेस में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एजेंट नाम का डेटाबेस हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल ऐड नहीं है, यहाँ पे इनबिल्ट दो टेबल होती है, सिस्टम टेबल और फाइल टेबल। उसके अलावा जो हम नई टेबल ऐड करना चाहते हैं, तो वो टेबल हम कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है यूज डेटाबेस, यूज और डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम क्या है हमारे पास, एजेंट डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से टेबल का कोड लिखना। जैसे मैंने पहले की जो टेबल है वो क्रिएट करनी है, क्रिएट एजेंट टेबल, एजेंट टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम के नेम एंटर करेंगे। तो हमारे पास पहला कौन सा है, एजेंट नंबर फील्ड है, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर के अंदर हम एजेंट नंबर लिखेंगे, और नोट नल, ये इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी की, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजेंट नेम, एजेंट नेम हम किस में टाइप करेंगे, वेयर केयर के अंदर। उसका साइज हम डिफाइन कर देते हैं, तो नंबर ऑफ करेक्टर मैंने यहाँ पे 50 लिख दिए। ये भी क्या होना चाहिए, नोट नल होना चाहिए, और ठीक है, नोट नल होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हमें डिफाइन करना होगा। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस किया, तो फिर डेटाबेस का नेम लिखा, देन हमने यूज़ किया उस डेटाबेस को, और उस डेटाबेस के अंडर ही हम एजेंट टेबल बनाने वाले हैं, तो एजेंट टेबल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एजेंट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, एजेंट डेटाबेस, सॉरी, हमें ये ऊपर वाली लाइन नहीं करनी थी, यूज डेटाबेस तक, यहाँ तक हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। यूज डेटाबेस, डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम ये टेबल बना रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो देन एक हमारे पास एजेंट टेबल नाम से पहले से टेबल है, तो एजेंट टेबल टू मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्लस और माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोड को, अगर हमारे पास ज़्यादा लेंथी कोड है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं, पहले रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद डेटाबेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद एजेंट डेटाबेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद टेबल के अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वो टेबल पहले से क्रिएट हो गई थी, एजेंट टेबल, जब हमने क्रिएट डेटाबेस को भी सिलेक्ट किया था, बस डेटाबेस नया क्रिएट नहीं हुआ था, और हमारे पास दो टेबल क्रिएट हो गई है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करोगे आप, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डिलीट का, तो डिलीट भी कर सकते हो।
कौन सी टेबल को, एजेंट टेबल को हमने डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने चेक कर लेने हैं। और उसके बाद ओके, तो हमारे पास ये टेबल है ये डिलीट हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेबल को ऐड या डिलीट कर सकते हो। तो फर्स्ट वे ये है टेबल को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक ही टेबल है, इसको शो कैसे करेंगे, इसके कॉलम हमें देखने हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट टॉप 100 रोज, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आपकी जो टेबल है उसकी कॉलम को देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है, एजेंट नंबर और एजेंट नेम। यहाँ पे ये कोड ऑटोमेटिकली लिख देता है, देखो सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट टॉप फ्रॉम टॉप 100 एजेंट नंबर एजेंट नेम फ्रॉम एजेंट डेटाबेस। डेटाबेस की कौन सी टेबल से, ये टेबल का नेम है एजेंट टेबल से। आप एसक्यूएल कोड खुद से भी लिख सकते हो ये शो करने के लिए। तो वो कौन सा कोड होगा, आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मीन्स आप सभी कॉलम को देखना चाहते हो, टेबल में जितने भी कॉलम है उन सारे डेटा को देखना चाहते हो। सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है हमारे पास, एजेंट टेबल टू, एजेंट टेबल टू, सॉरी एजेंट टेबल हमने डिलीट कर दिया था, तो ओनली एजेंट टेबल है अब हमारे पास, एजेंट टेबल टू डिलीट कर दिया था हमने, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया एजेंट टेबल, तो यहाँ पे एजेंट नंबर और नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, एजेंट नेम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को कैसे एंटर करेंगे, तो वो भी हम क्वेरी के थ्रू एंटर करेंगे। क्वेरी के थ्रू कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो टेबल मैं बनाने वाली हूँ उसमें हम बताएंगे कि हम नॉर्मली सिंपल वे से टेबल कैसे बना सकते हैं विदाउट एसक्यूएल कोडिंग। और अब मैं इस टेबल में आपको एसक्यूएल कोडिंग में हम कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे, कैसे शो करेंगे और कैसे डेटा को एंटर करेंगे वो शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें एंटर करने वाले हैं डेटा, तो इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपने टेबल का नेम लिखना है। तो हमारे पास एजेंट टेबल है, एजेंट टेबल, एजेंट टेबल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को ऐड करना चाहते हैं। देन उसके बाद इंसर्ट इनटू एजेंट टेबल का नेम, और उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज, वैल्यूज के बाद जितने कॉलम है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हमें नंबर लिखना है, एजेंट नंबर जो कि मैंने 101 दिए हैं, पहला एजेंट है हमारे पास 01 दे देते हैं, चलो 01 उसका नाम है। नाम हमें किसमें लिखना है, सिंगल कोटेशन में, वेयर कैर की वैल्यू सिंगल कोटेशन में लिखोगे, और उसका नाम मैंने दे दिया अमित, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे वैल्यूज, और उसके बाद सेमी कोलन। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास वन रो अटैच्ड। उसके बाद आप इस रो को शो कैसे करोगे, वही सेम इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट और एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो एजेंट का नंबर क्या है हमारे पास, वन, फर्स्ट नंबर पे अमित है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है, 5 मैनुअल एंट्री करनी है इस टेबल में, 5 एंट्रियाँ करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, इसी में करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 नंबर पे, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, सेकंड एजेंट है जो हमारे पास उनका नाम है किरण। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट, तो एक और रो अटैच हो गई है। फिर से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट टेबल और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो 2 एजेंट की एंट्री आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, बाकी हम 5 एंट्रियाँ कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसमें यहाँ पे 5 एंट्रियाँ कर दी है, 1 to 5, अमित, किरण, पिंकू, नेहा और अनिल। तो ये हमारे पास क्या थी, टोटल 5 एंट्रियाँ थी, 1 to 5। अब हम नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो एंट्रियाँ हैं ये आप यहाँ से कैसे देखोगे, अपनी एजेंट डेटाबेस में सबसे पहले आपने रिफ्रेश करना है, F5 से भी आप कर सकते हो रिफ्रेश, और उसके बाद आपने टेबल में जाना है। टेबल में जाके जो आपकी टेबल है एजेंट टेबल, इसके अंदर एंट्रियाँ हुई है, उसमें आपने डिज़ाइन में जाके आप क्या देख सकते हो कि इस टेबल का डिज़ाइन क्या है, हमने इसे कैसे रेडी किए हैं,
तो डिज़ाइन के अंदर आपको शो होगा कि जो आपको टेबल बनी हुई आती है एग्जाम में वैसा डिज़ाइन शो होगा, एजेंट नंबर इंटीजर, ठीक है, और एजेंट नेम वर्कर और अलॉय नल वैल्यू तो दोनों ब्लैंक है क्योंकि हमने नल अलॉय नहीं किया, ठीक है। देन आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को कैसे शो करोगे, आपने यहाँ पे सिलेक्ट 100 रोज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू है वो टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर आप वैल्यू मैनुअली एंटर करना चाहते हो, मतलब सिक्स नंबर की वैल्यू मैंने मैनुअली एंटर करनी है, कोड के थ्रू नहीं करनी है, तो वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे एडिट टॉप 200 रो के अंदर जाना है, उसके बाद ये ऑप्शन ओपन होगा। तो सेकंड टेबल हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉलिसी नंबर ऐड किया, उसके बाद मैंने सभी कॉलम के नेम लिख दिए, जैसे एजेंट नंबर है वो इंटीजर के अंदर होना चाहिए और नोट नल वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और उसके बाद पॉलिसी डेट, कस्टमर नेम, पॉलिसी अमाउंट एंड कमीशन, ठीक है। तो इन सभी की हमने यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट कर ली है, डेटा टाइप आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इनकी वैल्यू नल हो या ना हो, तो ये हम यहाँ पे अगर हम नल वैल्यू अलॉय करते हैं इनकी, तो यहाँ पे हम इसको टिक रखेंगे, अगर नल वैल्यू अलॉय नहीं करते हैं तो इस टिक को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो एजेंट नंबर है, एजेंट नंबर हमने यहाँ पे प्रीवियस टेबल में आप देख सकते हो, मैंने एजेंट नंबर और नेम की एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमने आउटपुट दिखाए थे, ये 1 to 6 तक हमने एंट्री की थी, तो यही सेम नंबर हमारे पास यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, एजेंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है इस टेबल के बीच में और फर्स्ट वाले टेबल के बीच में, तो रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका नाम आता है फॉरेन की, टेबल वन, टेबल स्टार जो भी है, तो आप इसका नेम अपनी ओर से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एजेंट फॉरेन की एजेंट, एजेंट नंबर की हमारे पास क्या है, हमने फॉरेन की बनाई है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम कौन सी टेबल, एजेंट टेबल की कौन से कॉलम को, एजेंट नंबर को हम फॉरेन की बना रहे हैं टेबल वन के अंदर, और टेबल वन के अंदर कौन से कॉलम के साथ अटैच कर रहे हैं इसको, एजेंट नंबर के साथ, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, तो ये आपकी फॉरेन की रेडी हो चुकी है। डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉरेन की को डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फॉरेन की ऐड हो गई है तो उसे आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट क्लोज कर देना है, ये फॉरेन की रेडी हो चुकी है। अब इस टेबल को सेव कैसे करना है, आप यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेव का, या फिर आप राइट क्लिक करके इसे भी सेव कर सकते हो, सेव टेबल पर क्लिक करके कंट्रोल एस से। उसके बाद इस टेबल का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है पॉलिसी टेबल, और सेव कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पॉलिसी टेबल के नाम से सेव हो गई है। अब हम इसके लिए एक GUI क्रिएट करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक एप्लीकेशन बनाएंगे .NET के अंदर, उस एप्लीकेशन में एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन के अंदर हम ये कॉलम रखेंगे जिसके अंदर भी वैल्यू, हमारे पास एक पॉलिसी डेट का कॉलम होना चाहिए, पॉलिसी डेट एक फॉर्म में हमारे पास एक कैलेंडर होना चाहिए जिससे हम डेट पिक कर सकें, एक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम कस्टमर का नाम लिख सकें, एक पॉलिसी कितनी अमाउंट की पॉलिसी की है वो पॉलिसी अमाउंट लिखेंगे, और कमीशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके टेबल में स्टोर हो जाना चाहिए। तो अभी हमें GUI क्रिएट करना है, तो GUI क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो अभी हमारे पास दोनों टेबल हैं वो रेडी हो चुकी है, मतलब SQL का जो काम है वो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। इस क्वेरी को आप सेव भी कर सकते हो, आगे अपने वर्किंग के लिए अगर यूज़ करना है तो आप इसका कुछ भी नेम दे सकते हो, .SQL से आप सेव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एजेंट टेबल के नाम से इसे सेव कर लिया, .SQL की क्वेरी है, बैकअप डेटा के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेबल में आप जाओगे, आप देखोगे जैसे रिफ्रेश करोगे इसे तो आपके पास ये पॉलिसी टेबल आ जाएगी, पॉलिसी टेबल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे कीज़ के अंदर जाना है, कीज़ के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी टेबल के अंदर दो की हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास पॉलिसी टेबल के अंदर प्राइमरी की है जो कि हमने पॉलिसी नंबर को प्राइमरी की बनाया है, और दूसरी हमारे पास फॉरेन की है जो कि एजेंट नंबर के, जो कि हमने एक फॉरेन की क्रिएट की थी। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी टेबल के अंदर फॉरेन की बनी हुई है या नहीं। SQL टेबल का आपको डिज़ाइन देखना है कि हमने प्रॉपर सभी कॉलम बनाए हैं या नहीं, तो आप डिज़ाइन में जाके देख सकते हो। अगर इसमें कोई एंट्री करनी है आपने,
तो यहाँ पे एडिट 200 रो के अंदर जाके आप इसमें एंट्री कर सकते हो। पॉलिसी नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, हम एक एंट्री सिंपल मैन्युअली तरीके से कर देते हैं, बाकी एंट्रियाँ हमारे पास क्या है फॉर्म के थ्रू आएगी। तो मैंने यहाँ पे एजेंट का नंबर सिलेक्ट किया 1, ठीक है। पॉलिसी डेट आप यहाँ पे एंट्री करोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कस्टमर का नेम एंटर करोगे, पॉलिसी अमाउंट एंड कमीशन। तो अभी हम क्या कर देते हैं, अभी हमने कोई भी एंट्री जनरेट नहीं करनी, तो मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया, एस्केप से हमारे पास जो भी एंट्री जनरेट की हुई थी वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट हमें जो वर्क करना है वो किस पे करना है, विजुअल स्टूडियो पे। तो आप मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, तो अनलिमिटेड वर्जन है इसमें, अल्टीमेट 2012। तो आप ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, या फिर आपके पास जो भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन है आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसमें पैटर्न होता है कि आप किस वे से आप क्या करना चाहते हो, डॉट नेट एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो। तो अभी ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो अभी जैसे मैंने ये ओपन किया हमारे पास विजुअल स्टूडियो, तो हमारे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ASP ब्राउज़र ओपन हुआ, जिसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग जो होती है वो मिलेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, व्यू में जाके। अगर आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन नहीं है, यहाँ पे जो साइड में विंडो होती है इसे हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन आपको व्यू में मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो सर्वर एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और टूल बॉक्स का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, व्यू ऑप्शन में। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एंटिटी मॉडल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम एंटिटी मॉडल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जो हमें GUI फॉर्म क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनबिल्ट सभी यहाँ पे स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रिप्ट जो jQuery इसमें यूज हुई है, जो इमेजेस फोल्डर हम यहाँ पे देख सकते हैं ये यूज हुए हैं, ये इनबिल्ट आते हैं जब हम क्या करते हैं एक जो विजुअल स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन डॉट नेट की एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं विद एंटिटी की। तो आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड ऑप्शन में जाना है, ऐड के अंदर जाके आप न्यू आइटम पे क्लिक करोगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए भी क्रिएट कर सकते हो, तो हमें वापस से वही विंडो पे ले आएगा। यहाँ से हम एक वेब फॉर्म लेंगे, जिसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं। तो इस वेब फॉर्म का आप नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस पेज दे दिया, इंश्योरेंस पेज, ये हमारे पास क्या है वेब फॉर्म का नेम है इंश्योरेंस पेज, और ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद ये पेज हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज के बाद ये इंश्योरेंस पेज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, C# लैंग्वेज से कनेक्टेड है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट है, इनहेरिटेंस एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे HTML की कोडिंग करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हेड, बॉडी, फॉर्म टैग, डिव टैग, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ टेबल टैग से स्टार्ट करना है और बाकी की कोडिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया, और उसके बाद टेबल रो क्रिएट करेंगे। टेबल रो के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले टेबल डेटा, टेबल डेटा भी आप क्रिएट कर सकते हो, या टेबल हेडिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो TH से, ठीक है। टेबल हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉलिसी, सबसे पहले हम यहाँ पे एजेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एजेंट का नेम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एजेंट का नेम सिलेक्ट करना है, वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से। टेबल हेडिंग है हमारे पास एजेंट नेम, उसके सामने सेकंड हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉलम जो आना चाहिए वो क्या होगा, उसी रो के अंदर, उसे हम टेबल डेटा के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि हम डिफरेंट दिखा सकें, वो हेडिंग नहीं है। और अब यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ टूल्स ऑप्शन में जाओगे,
टूल्स ऑप्शन में आपको यहाँ पे सारे जनरल टूल अवेलेबल मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका कोड है जो इसमें ऐड हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब हम इसकी आईडी ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है जो, इसका नेम हम चेंज कर देते हैं, तो ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट। और उसके बाद हम यहाँ पे एजेंट नेम की हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड रो जो हम क्रिएट करने वाले हैं, ये हमारी फर्स्ट रो रेडी हो चुकी है। सेकंड रो के लिए हमने यहाँ पे TR से स्टार्ट किया, उसके बाद टेबल हेडिंग के अंदर हम सेकंड हम पॉलिसी डेट का कॉलम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी डेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल हेडिंग के अंदर पॉलिसी डेट के लिए हम यहाँ से टूल्स के अंदर से ही कैलेंडर को पिक कर लेते हैं। आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं तुम्हें ईजिएस्ट वे बता रही हूँ सबसे, कि आप ईजिएस्ट वे से कैसे अपने जो सॉफ्टवेयर है उसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अभी एक कैलेंडर ऐड कर लिया, उसका नाम हमने चेंज नहीं किया, कैलेंडर 1 ही दे दिया। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे पॉलिसी डेट कैलेंडर कर सकते हो इसका नेम, वो आपको, अगर आप जितने नेम चेंज कर रहे हो वो आपको रिमेंबर रहने चाहिए आगे कोडिंग के अंदर, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, फॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम रेडी करेंगे टेबल रो, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कस्टमर नेम हम किस में राइट करेंगे, सॉरी टेबल रो के अंदर। हमने रो स्टार्ट करने के बाद हमें क्या स्टार्ट करना था, टेबल हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखना है, कस्टमर नेम। तो हम यहाँ पे ये कस्टमर नेम है जो यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल X से मैंने कट किया और कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड कॉलम हमें क्या बनाना है, उसी कॉलम का सेकंड रो जो कि जो कस्टमर नेम है वो हम एक टेक्स्ट बॉक्स में रखने वाले हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का कोड आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 से हम नहीं पहचान सकते, इसे हम लिख देते हैं TXT मीन्स टेक्स्ट बॉक्स, और ये क्या है हमारे, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, कस्टमर नेम वाला, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेबल रो, देन टेबल डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, पॉलिसी अमाउंट वो भी हमें एंटर करनी है। जो जो चीज़ें हमें एंटर करनी है उसका आपको पहले से एक फॉर्म रेडी करना है, तो वो आपको खुद सोचना है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ एंटर करनी है और कौन सी चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये हमें टेबल हेडिंग के अंदर चाहिए, ये हमारे पास हेडिंग है इसलिए टेबल हेडिंग, और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के अंदर अभी हमें क्या चाहिए, टेबल डेटा के अंदर पॉलिसी नेम भी हम किस में लिखेंगे, पॉलिसी अमाउंट हम किस में डालने वाले हैं वो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने वाले हैं, पॉलिसी अमाउंट। तो टेक्स्ट बॉक्स को हमने डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या करना है, TXT पॉलिसी अमाउंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, नेक्स्ट रो है कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट विंडो में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ये सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए है। तो अभी हमने यहाँ पे सोर्स लिखे है, इसका हम डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डिज़ाइन जो अभी रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नेम, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट, ये तो कॉलम जो हमें टेबल के अंदर रिक्वायरमेंट थी इन कॉलम की। अब ये डेटा सेव करने के लिए हमें 2 बटन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो कौन कौन से बटन चाहिए हमें। तो टेबल रो के अंदर से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले टेबल हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हो या टेबल डेटा के अंदर, वो आपकी मर्जी है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सेव का बटन चाहिए कि डेटा को सेव करना है टेबल के अंदर, ठीक है। तो सेव के लिए हम यहाँ पे बटन
सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करोगे और उसके बाद डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन वन आ गया। इस बटन वन की आईडी मैंने लिख दिया BTN मीन्स बटन, और ये किसका बटन है, सेव का। और इस बटन पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए वो हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेव रिपोर्ट। सेव रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और रो उसी रो के अंदर एक और बटन कैंसिल का भी आप बटन बना सकते हो, वैसे थर्ड बटन हम इसमें रिपोर्ट का बटन, ताकि हमें वहीं से सेव किया और उसी फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकें। तो सेम हमें क्या करना होगा, टूल बॉक्स में जाना होगा और बटन पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद BTN और उसके बाद रिपोर्ट, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, इसमें रिपोर्ट का हम एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव रिपोर्ट, और उसके बाद जनरेट रिपोर्ट, हम इसमें रिपोर्ट नहीं लिखते, ओनली इसमें लिखेंगे जनरेट रिपोर्ट। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो जनरेट रिपोर्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस से आप जैसे सेव करोगे तो ये जो लाइन है ये अभी तक कोड सेव नहीं हुआ था, ये येलो था, ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब अब आपका कोड है जो यहाँ तक सेव हो चुका है। अब अगर आप इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से कर सकते हो कैसे। मीन्स मैंने यहाँ पे क्या है, टेबल के अंदर जो जो टेबल हेडिंग है, टेबल हेडिंग जितनी भी है इनका कलर चेंज करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ से देखो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि इसे हेडिंग वन में रखना है, हेडिंग टू में रखना है, बोल्ड करना है। ये है हमारे पास फोर कलर, फोरग्राउंड कलर होता है कि हमारे पास जो एजेंट जितनी भी हेडिंग लिखी हुई है वो किस कलर में आएगी। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि ब्लू कलर में हेडिंग्स लिखी हुई आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इनका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे ये जो टेबल हेडिंग है शिफ्ट दबा के हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा पूरी की पूरी टेबल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, और इसके अंदर जितने भी कॉलम बने हुए हैं इनके अंदर कौन सा कलर आना चाहिए, तो वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, फोरग्राउंड कलर में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रेड इस कलर में आना चाहिए, रेड कलर में आना चाहिए। तो ये देखो अनबाउंडेड रेड कलर में आ गया, और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो रेड कलर में आएगा। अब हम बटन के अंदर भी कलरिंग कर सकते हैं, बटन के इनका बैकग्राउंड अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ से ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्मॉल लिख सकते हो, मीडियम, लार्ज, इसका साइज आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर सकते हो, इसका साइज क्या सेट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है यहाँ पे। और अप्लाई एनी न्यू स्टाइल, अगर आप कोई नया स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको न्यू स्टाइल क्रिएट करना होगा कि फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, वरना ये ऑटोमेटिक स्टाइल उठाएगा। और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहोगे तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इनका भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अगर हमारे पास इनका भी हम बैकग्राउंड कलर, इन दोनों बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ दोनों बॉक्स पे हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों बॉक्स को शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, डाउन प्रेस किया, डाउन बटन, और अब हम यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम यही बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास रखना चाहते हैं तो यही सेम बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे बटन्स हैं, बटन्स का कलर हम सेव के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। और टेक्स्ट का इसको आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और फोरग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर ही रखा है फोरग्राउंड, और फॉन्ट साइज़ वगैरह अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। देन इसमें मैंने रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर जो कलर सिलेक्ट किया है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है रेड, ठीक है। इसको भी मैंने बोल्ड रखना है,
और जो फॉर्मेट कलर है वो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर देने हैं उसमें। तो यहाँ से मैंने कुछ कलर पिक किया डिफरेंट। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक जो है डायग्राम जनरेट हो चुका है। अब अगर हम सिर्फ इसी को ही हम अपने वेब पेज के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। अब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे ऐड करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे, आपने इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चूज डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, डेटा सोर्स ऐड करना है। तो न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नया ऑप्शन ओपन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस को ऐड करेंगे। तो हम किसके थ्रू डेटाबेस को ऐड करना चाहते हैं, तो हम एंटिटी के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं और एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटिटी डेटा सोर्स ऐड किया है, एंटिटी डेटा सोर्स वन। आप इसका नाम भी, आईडी का नाम है ये, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक किया। अभी तक मैंने डेटाबेस को यहाँ पे ऐड नहीं किया है, अभी हम स्पेशली ऐड कर रहे हैं डेटाबेस को। तो डेटाबेस को आप कैसे ऐड करते हो, एंटिटी के थ्रू। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस को ऐड करते हैं एंटिटी के थ्रू। तो कैसे ऐड करना है, अपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड का ऑप्शन है आप हमारे पास, और उसके बाद ऐड, ऐड के बाद ऐड एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करोगे, मॉडल का नेम आप जो भी देना चाहते हो। यहाँ पे मैंने एंटिटी मॉडल दिया, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जो डेटाबेस जनरेट होगा, जनरेट फ्रॉम डेटाबेस या जनरेट फ्रॉम एंटिटी मॉडल। तो हम डेटाबेस से ही जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास डेटाबेस को लिंक कर रहे हैं। तो डेटाबेस कहाँ से लिंक होगा, ये हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। तो न्यू ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्वर, सर्वर नेम पे क्लिक करना होगा कि हमने डेटाबेस में कौन सा सर्वर यूज़ किया है, ठीक है। तो सर्वर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे कि सर्वर कौन सा यूज़ किया है। तो ये आपका सर्वर होता है, आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो, इसका जो पाथ है इसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से कंट्रोल सी से, ठीक है, कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो देन हमें क्या करना है, यही वाला नेम यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले अपने डेटाबेस का नेम कॉपी करोगे, डेटाबेस का नेम आपने कॉपी करना है। तो आप यहाँ से कनेक्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, ये आपका डेटाबेस सर्वर का नेम है, कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये सर्वर का नेम यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल वी से, ठीक है। जैसे आप सर्वर का नेम पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे हमें इसके अंदर जितने भी डेटाबेस हैं, इस सर्वर के अंदर आपको डेटाबेस यहाँ पे नज़र आएंगे, ये सारे डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सारे डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ से हम अभी ऐड करने वाले हैं एजेंट डेटाबेस, एजेंट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एजेंट डेटाबेस के अंदर ही हमारी सभी की सभी टेबल बनी हुई है। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है, ओके, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कनेक्शन सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब हमारे पास जो एंटिटी क्रिएट होगी तो वो किस नाम से क्रिएट हो, तो वो हमारे पास एजेंट डेटाबेस एंटिटीज नाम से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसमें आप कोई भी अपना नेम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल रिट्रीव हो रही है, जितने भी उस डेटाबेस में टेबल हैं और उनके बीच में जो भी रिलेशन है, वो जितने भी व्यू हैं, स्टोर प्रोसीजर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो टेबल थ्री है, एजेंट पॉलिसी, इसमें से हमें कौन कौन सी टेबल चाहिए, तो हमें ये दो ही टेबल चाहिए, ये वाली टेबल हमें नहीं चाहिए। तो आप इसमें टिक कर दोगे, सिर्फ जो टेबल आपको चाहिए वही, उसी यूनिक टेबल का लिंक होगा। उसके बाद मॉडल का क्या नाम रहने वाला है, एजेंट डेटाबेस मॉडल, एजेंट डेटाबेस हमारे पास डेटाबेस का नाम है और मॉडल का नाम यहाँ पे सिर्फ मॉडल है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटिटी मॉडल अपना एक जो डायग्राम है वो क्रिएट करेगा।
उसके अंदर हमारे पास दो सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। सिक्योरिटी वार्निंग में क्या होगा, जस्ट ये आपको कि ये एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर आपके पेज के साथ, किसका, डेटाबेस का। ठीक है, तो अभी हमारे पास फाइल ओपन हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी वार्निंग है। ठीक है, रनिंग टेम्पलेट हार्मफुल हो सकता है आपके सिस्टम के लिए, तो ये जस्ट वार्निंग है, आपको इसमें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दोनों टेबल को देख सकते हो, तो हमारे पास एंटिटीज़ का पूरी रेफरेंस यहाँ पे एंटिटी के साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, ये दो सिक्योरिटी वार्निंग है, और ये रेफरेंस सारे हमारे पास इस सिस्टम में ऐड हो चुके हैं। तो हमारे पास दो टेबल हैं, एजेंट टेबल और पॉलिसी टेबल, और इनमें क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारे पास जो एजेंट है, ये हमारे पास इसमें क्या है, एजेंट नंबर, ये पॉलिसी टेबल के साथ क्या है, फॉरेन की है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की बता रखी है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, ये एजेंट टेबल के साथ कनेक्ट है, तो 1:n का रिलेशनशिप है इसमें। इसमें हमारे पास एक जो एजेंट होगा उसकी क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताया हुआ है। अब हमारा डेटाबेस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन के साथ। तो अभी आपने जो पेज बनाया है इंश्योरेंस पेज, इस पेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब हम ड्रॉपडाउन लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, चूज डेटाबेस, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एसक्यूएल से भी आप जा सकते हो, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से या एंटिटी सर्वर से जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद ओके, उसके बाद नेम ऑफ कनेक्शन, तो एजेंट डेटाबेस एंटिटीज हमारे पास हमने अभी भी कनेक्ट किए हैं। ठीक है, क्या एरर है अभी ये प्रोजेक्ट को देखो, इस मैसेज को पढ़ना है, द मेटा डेटा स्पेसिफाई इन द कनेक्शन स्ट्रिंग कुड नॉट बी लोड। ठीक है, तो लोड नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना, पहले इस स्ट्रिंग को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो रीबिल्ड कहाँ से करना है, आपने रीबिल्ड करने के लिए सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में जाना है यहाँ पे, उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रीबिल्ड का ऑप्शन दिया है, बिल्ड भी कर सकते हो, रीबिल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके भी क्लिक करना है, तो ये आपका सिस्टम क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट रीबिल्ड करने के बाद आपने वापस से इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स हम जो हमारे पास जो लिस्ट आनी चाहिए उसका डेटा कहाँ से आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे न्यू डेटाबेस से क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है एसक्यूएल के अंदर। तो एसक्यूएल डेटाबेस 1 सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एजेंट डेटाबेस इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमें क्या उठाना है, कनेक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके अंदर से भी हमें कौन कौन सी टेबल चाहिए वो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हमें कौन सी टेबल चाहिए, क्योंकि ये हमें, हमने पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सेस कर लिया इस कॉलम के लिए, तो इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एजेंट टेबल के अंदर दो ही कॉलम चाहिए, एजेंट नंबर और एजेंट नेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद टेस्ट क्वेरी के अंदर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एजेंट नंबर और एजेंट नेम आ जाएंगे, उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें ड्रॉपडाउन लिस्ट में क्या डिस्प्ले होगा और क्या वैल्यू सेव होनी चाहिए। तो ड्रॉपडाउन लिस्ट में सिलेक्ट ए डेटा फील्ड टू डिस्प्ले इन ड्रॉपडाउन लिस्ट, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, तो हमें नेम डिस्प्ले होना चाहिए और उस नेम के का जो नंबर है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो अब डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर के अंदर। अब हम इसे नॉर्मली रन करके देखते हैं। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन तैयार की है और एक ड्रॉपडाउन लिस्ट ऐड की है। अभी हमने सेव बटन पे कमांड, सेव बटन के ऊपर हमें क्या है, अभी कोड लिखना है डेटा को सेव करवाने के लिए। ठीक है, वो भी हम एंटिटी कोड लिखेंगे। तो अभी हम जस्ट रन कर रहे हैं, इसे बिल्ड कर रहे हैं। अगर कोई एरर होगा तो ये हमें क्या है, एरर देगा, रन नहीं करने देगा। अगर कोई एरर नहीं है तो ये नॉर्मली हमारे क्या करेगा, रन कर जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा लोकल होस्ट पे ओपन होता है। लोकल होस्ट के ऊपर कौन सा पेज ओपन हो रहा है, इंश्योरेंस पेज।
और ASPX ये हमारे पास .NET की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो आप यहाँ से किसी का भी नेम एंटर कर सकते हो, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में पिक कर सकते हो। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, डेट के ऑटोमेटिक कॉलम यहाँ पे ये शिफ्टर हैं, ये मंथ हमारे पास शिफ्ट करेंगे, ये राइट शिफ्टर लेफ्ट शिफ्टर हैं, ठीक है। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर का नेम टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने अनिल का इंश्योरेंस किया है तो